वेलकम टू अनलिमिटेड फैक्ट्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने क्रोम ब्राउज़र को जो जीमेल से रजिस्टर है उस जीमेल से कैसे दूसरे जीमेल में रजिस्टर करोगे, मतलब जीमेल को कैसे चेंज करोगे। तो दोस्तों आप अगर क्रोम को ओपन करोगे और बार बार मान लो ऐसे किया कि यहाँ पे जा गया और यहाँ से आपका कोई भी दूसरा कोई जीमेल को सिलेक्ट किया, तो दोस्तों यहाँ से करने से नहीं होगा। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि होम पेज में बैक आना है, उसके बाद क्रोम के ऊपर सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों आपको ऐप इन्फो में जाना है। तो दोस्तों जैसे ही ऐप इन्फो में जाओगे यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टोरेज का, तो दोस्तों आप वहाँ पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों आपके यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा मैनेज स्टोरेज का, तो दोस्तों आप वहाँ पर क्लियर ऑल डाटा कर देना। तो दोस्तों जैसे ही क्लियर ऑल डाटा करोगे तो दोस्तों आप बैक आ जाओगे, उसके बाद क्रोम को फिर से ओपन करना, उसके बाद दोस्तों एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर लेना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर रिसेंट जो क्रोम का अपडेट आया है उसके बाद ये कुछ इस तरीके से हो गया है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कंटिन्यू एज मतलब जिस जीमेल से मेरा रजिस्टर था उस जीमेल से ही करना चाहते हो या तो फिर और कोई जीमेल से रजिस्टर करना चाहते हो, तो दोस्तों यहाँ पर और कोई जीमेल से रजिस्टर करने के लिए चूज़ अनदर अकाउंट पे क्लिक कर देना। तो दोस्तों आप चाहोगे अपना मनमर्जी कोई जीमेल को सिलेक्ट कर सकते हो, तो दोस्तों आप यहां पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों यस आई एम इन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। तो दोस्तों जैसे ही क्लिक कर दोगे दूसरा कोई जीमेल से आपका रजिस्टर हो जाएगा। तो दोस्तों यही ट्रिक्स था। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट टेक वीडियो देखने के लिए।